आखिरकार बहुत ही मशक्कत के बाद में बैठने के लिए सीट मिल जाती है। ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू करती हैं। वे नजारों का मजा लेते हैं और ट्रेन जाती है तो उसे अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर देता है। इसके बाद विजय देखता है कि चलते चलते 2 घंटे हो गए हैं और कहीं पर पहुंच नहीं रहे हैं, जबकि उसे पॉइंट का रास्ता मात्र 3 किलोमीटर का था। उन्हें अब तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए था। वह देखत आ है कि पहाड़ पर घूमने जा रही है, चलती ही जा रही है, लेकिन वह कहीं पहुंच नहीं रही है। इसके बाद ट्रेन टनल में पहुंचती है। टनल में पहुंचते पहुंचते वे लोग देखते हैं उस टनल का कोई अंत ही नहीं है। वह अपने आप को ऐसी जगह पर देखते हैं जहां पर अजीब ही नजारे होते हैं। यह देखते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए यात्री सर से पैर तक कंबल में लिपटे होते हैं और सभी सो रहे हैं। यह सब नजारा देखकर विजय चौंक जाता है। रीना विजय से कहती हैं कि सभी लोग एक साथ सो रहे हैं और वह भी दिन में, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर विजय कहता है, चलो इनमें से किसी से भी पूछते हैं। जैसे हाँ कि विजय उनमें से एक यात्री को कंधे पर हाथ रखता है तो मैं देखता है कि उसे हाथ में कुछ चुभा हुआ महसूस करने की कोशिश करता है, तो वह हड्डी होती है। ऐसे ही व्यक्ति का कंबल उतारता है। रीना के मुख से चीख निकल जाती है क्योंकि वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि नरकंकाल होता है। तभी विजय वहां पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों के कंबल उतारता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस ट्रेन में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति इंसान नहीं है, बल्कि सभी के सभी कंबल में छुपी हुई लाश होती है। विजय रीना उससे बाहर निकलने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। तब उन्हें पता चलता है कि यह भूतिया ट्रेन है और इस सफर का कोई अंत नहीं है। वे लोग यहां से कभी नहीं निकल सकते हैं। वे दोनों इसी सोच में बैठे हुए हैं कि आखिर इस ट्रेन से बाहर कैसे निकले। जैसे ही वह वॉशरूम के लिए जाता है, वहां पर वह देखता है कि एक बुढ़िया औरत बहुत डरी हुई अवस्था में वहां बैठी है। उससे पूछता है तो उसे पता चलता है कि औरत भी जीवित नहीं है, वह एक मृत आत्मा है। औरत उसे बताती है कि यह भूतों की ट्रेन है और कई साल पहले भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब यह ट्रेन अंग्रेज सरकार द्वारा चलाई गई थी और जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो उन्होंने ट्रेन को भारत में ही छोड़ दिया। 1970 में जब यह ट्रेन शिमला के गन पॉइंट हिल पर जा रही थी, तभी रास्ते में ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा और यह पटरी से उतरकर सीधा खाई में गिर गई और इसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। उसमें वह बूढ़ी औरत भी थी। जब उसने बाहर निकलने के लिए उस औरत से मदद मांगी, तब उसने बताया कि वहां निकलने का एक की तरीका है कि जब यह अगले दिन उस प्लेटफार्म पर जाएगी तब आप तुरंत बाहर निकल जाएं, तभी आप इस ट्रेन से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा आप हमेशा हमेशा के लिए ट्रेन में फंस जाएंगे। जब उसे पूछा कि यह कौन सी जगह है, तब उसने बताया कि यह आत्माओं की दुनिया है, आप लोग मुर्दा लोगों के दुनिया में हो। यह ट्रेन रात के समय मुर्दों की दुनिया में घूमती है और यह उस प्लेटफार्म पर रुकती है। वही एक समय होता है जब आप ट्रेन से निकल जाएं,
अगर आप रात को अपने आप को प्रेत आत्माओं से बचाकर रख सकें तो 10:00 बजे यह ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर रुकेगी। वही समय होगा जब आप यहां से निकल सकते हैं। विजय और रीना पूरी रात अपनी बर्थ पर ही बैठे रहे और जैसे तैसे अपने आप को मृत आत्माओं से बचाया। इसके बाद जैसे ही अगले दिन सुबह 10:00 बजे वह ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर रुकती है, वे तुरंत ही भागते हुए इस ट्रेन से छलांग लगा देते हैं और प्लेटफार्म पर आकर गिर जाते हैं। इसके बाद रीना और विजय तुरंत ही फुट ओवर ब्रिज के द्वारा वहां से निकलकर प्लेटफार्म नंबर 6 पर आ जाते हैं और जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्लेटफार्म नंबर 3 की जगह एक खंडहर होता है और वहां केवल टूटी हुई ट्रेन खड़ी होती है, जिसकी सीट भी टूटी हुई होती है और उस ट्रेन में कुछ भी नहीं होता है और वहां पर स्टेशन प्लेटफार्म पर भी झाड़ियों भी होती हैं और बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं और वह स्टेशन बिल्कुल खंडहर होता है। इसके बाद जैसे ही वे लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वह लोग देखते हैं कि अभी समय 11 हुआ है और तारीख 17 मई 2002 है। वे ये जानकर हैरान होते हैं कि इसी तारीख को तो उन्होंने 10:30 शिमला जाने के लिए उस ट्रेन में बैठे थे, क्या उन्होंने केवल आधा घंटा ही हुआ है। तभी वहां पर एक ज्योतिष आता है और उन्हें बताता है कि हर लोक में समय की गति अलग अलग होती है। हमारे लोक में समय की जो गति है उससे तीव्र गति से समय मुर्दों की दुनिया में चलता है, इसीलिए आपका केवल आधा घंटा ही इस लोक में बीता है, जबकि उस लोक में आप 15 दिन बिता आए हैं। अब विजय और रीना अपनी गाड़ी में बैठकर वापस होटल निकल जाते हैं और अगले दिन वहां से अपना सामान पैक करके वापस से दिल्ली चले जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।